真的妈妈。आज मैं ऐसी प्रेरक कहानी आपको बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित करेगी। हर व्यक्ति को प्रेरक कहानियाँ पढ़नी चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो और उससे हम नकारात्मक विचारों का सामना कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रेरक कहानी की ओर। एक अंधेरे कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थी। पहली मोमबत्ती ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं विश्वास हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में विश्वास नाम केवल इंसानों तक ही सीमित है। असलियत में इस दुनिया में विश्वास बचा ही नहीं है। जिस पर ज्यादा विश्वास करोगे वही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा देगा, सबसे ज्यादा दुख देगा। इसीलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रही हूँ, यह कहकर पहली मोमबत्ती ने अपने आप को बुझा दिया। उसके बाद दूसरी मोमबत्ती ने कहा, दूसरी मोमबत्ती कहती है कि मेरा नाम शांति है और इस पूरी दुनिया में अशांति है। जहां इतनी अशांति हो वहां शांति नहीं रह सकती। मैं कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में अशांति रहेगी या फिर मैं रहूंगी, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। और मुझे इस बात का पता है कि अशांति हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, इसीलिए मैं अपना जीवन इसी वक्त समाप्त कर रही हूँ, यह कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती की बारी आती है। तीसरी मोमबत्ती अपना परिचय देती है और कहती है, मेरा नाम प्रेम है। मैंने इस दुनिया में एक ही चीज सीखी है, प्रेम लोग स्वार्थ के लिए करते हैं। जिस दिन इंसान का स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन प्रेम भी खत्म हो जाएगा। सच्चा प्रेम पाने के लिए मुझे किसी अगले अच्छे युग में जन्म लेना पड़ेगा, यह कलयुग मेरे लिए नहीं बना है। यह कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है और अपना जीवन समाप्त कर देती है। अब सिर्फ चौथी मोमबत्ती रहती है। चौथी मोमबत्ती के सामने तीनों मोमबत्तियों ने अपने प्राण त्याग दिए और अंधेरे कमरे में और भी ज्यादा अंधेरा हो गया। चौथी मोमबत्ती तो अकेली थी, वो भला अपना परिचय किससे बताती। उसने अपने आप को ही कहा कि मैं आशा हूँ। भले ही जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, भले ही यह दुनिया झूठ और कपट से भरी हुई है, अगर मैं भी यही विचार करती रहूंगी तो समाज कैसे बदलेगा। समाज नहीं बदलेगा। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं आखिरी लौ तक लड़ती रहूंगी और मैं अपना जीवन पूरी तरह से आशावादी बनकर व्यतीत करूंगी। इस तरह से चौथी मोमबत्ती अंत तक जलती रही। यह कहानी सच में दिल को छू जाने वाली कहानियों में से एक कहानी है। आज के समय में इंसान के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो वह तुरंत ही गलत निर्णय ले लेता है, वह निराशावादी बन जाता है। आज हमें इस निराशावादी वृत्ति से दूर जाना है तो हमें आशा की किरण हमारे जीवन में लानी होगी। जिस दिन आप आशावादी बन गए उस दिन आपको विश्वास, प्रेम और शांति सब प्राप्त हो जाएगी।